हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ये जो चौपाई है ना, इसमें कहा जा रहा है नाम की बड़ाई मैं क्या करूं। इस नाम के बारे में तो भगवान राम भी अपने मुख से इस नाम की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। और इस नाम की खासियत क्या है, राम एक तापस तीय तारी। 11,000 वर्ष भगवान श्री राम हमारी पृथ्वी पर रहे लेकिन एक का भी उद्धार नहीं कर सके। तो तुलसीदास जी को बड़ा बुरा लगा, हमारे स्वामी की बुराई की जा रही, एक का उद्धार नहीं किया। कहा नहीं रे, एक का तो किया है। किसका? राम एक तापस तीय तारी, अहिल्या का उद्धार किया। लेकिन हमारे महाराज जी कहते हैं उसमें भी डाउट है। जब शिला बनी अहिल्या को भगवान श्री राम ने अपने चरणों का स्पर्श दिया तो अहिल्या अपने रूप में आ गई। जब अपने रूप में वो आई, सामने जो श्री राम खड़े थे उनके परम पति उनमें जाकर नहीं मिली, वो पति लोग को गई। अब उनके पति गौतम ऋषि अगर स्वर्ग में होंगे तो अहिल्या भी स्वर्ग में गई होंगी, तो अगर स्वर्ग में गई तो उद्धार कहाँ हुआ। और अगर वो बैकुंठ में होंगे तो बैकुंठ गई होंगी, तो अब इसमें भी डाउट है कि वो गई कहाँ। तो भगवान जब आए अवतार लेकर तो एक का उद्धार किया, वो भी कोई क्लियर नहीं। लेकिन इस नाम ने तो नाम कोटि खल कुमति सुधारी, इस नाम ने तो करोड़ों का जीवन बदल दिया। वो नाम हमारे पास है, भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं, हम उनको देख नहीं सकते। भगवान राम साकेत लोक में बैठे हैं, अपने अपने लोक में बैठे हैं, वहां हम जा नहीं सकते, लेकिन उनका नाम हमारे पास है। और नाम में नामे के सारी शक्तियां हैं। अरे वहां तो बस एक ही है जो उन्हें श्रद्धा से हृदय से भाव से पुकारेगा, बस उसका काम बन जाएगा। वो चाहे राम कहो चाहे मरा कहो। ये देखिए कितनी दया कितनी करुणा है, छूट पे छूट दी जा रही है। उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। किसी भी प्रकार से हम उनका नाम लें, बस शर्त यही है रो रो के पुकारना। कबीरा हंसना दूर कर, रोने से कर प्रीत, बिन रोए किन पाया प्रेम प्यारो मीत। हसी हसी कंत न पाये, किन पाया तिन रोय। जिसने भी भगवान को प्राप्त किया है रो रो कर ही प्राप्त किया है। तो इस नाम को साधारण मत समझिए। एक बार एक व्यक्ति किसी संत के पास गया, उसने कहा मुझे गुरु मंत्र चाहिए, गुरु दीक्षा चाहिए। ये 2,500-3,000 वर्ष पहले की बात बता रही, शंकराचार्य जी के जमाने की बात। तो उन्होंने कहा बेटा अभी तुम अधिकारी नहीं हो। तो प्रकांड विद्वान थे, कहा अच्छा मैं अधिकारी नहीं हूं, आप उससे शास्त्रार्थ कर लीजिए। तो उन संत ने कहा कि शास्त्रार्थ करने की क्या जरूरत है, लाओ तुम कागज पेन लाओ, मैं लिख कर दे देता हूं, तुम जीते मैं हारा। शास्त्रार्थ करके यही तो सिद्ध करोगे, तो मैं बिना शास्त्रार्थ के तुमको लिख कर दे रहा हूं। उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने कहा अरे बेटा जिसके अंदर शास्त्र वेद का ज्ञान होता है ना, उसके अंदर अहंकार नहीं होता, दीनता होती है। तुम तो बड़े चौड़े होकर हमसे कह रहे हो शास्त्रार्थ कर लीजिए। उसको गलती का एहसास हुआ, कहा गुरु जी मुझे क्षमा कीजिए, ये बताइए मैं अधिकारी कैसे बनू। कहा जाओ वृंदावन में एक साल साधना करो, रो रो कर आंसू बहा बहा कर राधे राधे कहते हुए। एक साल साधना किया, लौट कर आया, गुरु जी अब तो मैं अधिकारी हो गया। नहीं नहीं अभी भी अधिकारी नहीं, फिर से जाओ साधना करो। फिर गया, लौट कर आया, अब तो अधिकारी हो गया ना। कहा नहीं नहीं अभी भी नहीं हुए, फिर जाओ। 3-4 साल ऐसे ही बार बार उसको लौटा दिया।
उस व्यक्ति ने सोचा ये गुरुजी मुझे अपनाना नहीं चाहते, चार पांच साल हुए टहलाते टहलाते कि अभी तू अधिकारी नहीं हुआ, अधिकारी नहीं हुआ। तो गुरु अंतर्यामी होता है, सबके हृदय की बात को जानता है। गुरु ने जान लिया कि क्या सोच रहा। तो बेटा आज हम तुमको मंत्र देंगे, एकांत कमरे में ले गए और उसके कान में राम राम का मंत्र फूंक दिया। तो उसकी फिर बुद्धि लग गई कि पांच साल तो इन्होंने मुझको टहलाया, अभी तुम अधिकारी नहीं हो, अधिकारी नहीं हो, अधिकारी नहीं हो, और मंत्र क्या दिया राम राम, ये भी कोई मंत्र है? ये तो हमको पहले से ही पता था ये कौन सा मंत्र हुआ। तो गुरु जी ने ये भी जान लिया और उसको एक पत्थर दिया। तो बेटा जाओ इसका मूल्य लगवाना, बेचना मत, और शाम को मेरे पास आ जाना। सबसे पहले वो सब्जी बेचने वाली उसको मिली और उसने कहा ये पत्थर लोगी? तो पत्थर भी कोई खरीदने की चीज है? आपने देखा हो सब्जी वाले वो पत्थर का बाट बना लेते हैं, आधा किलो का, एक किलो का, 200 ग्राम का, 250 ग्राम का, तोल के। तो हाँ मेरा बाट हो गया है तो तुम ये मुझे दे दो, मैं अपना बाट बना लूंगी। तो जो साग सब्जी चाहिए ले जाओ, उसने साग सब्जी देने को कहा। आगे गया एक सुनार की दुकान पर, बड़ा सुंदर चमकता हुआ पत्थर था, उसने जरा चेक किया। उसने कहा मैं छोटे छोटे इसके नग बना लूंगा, इनकम हो जाएगी। इनका क्या दोगे? 100 रुपया। तो सब्जी वाली तो सब्जी दे रही थी, 100 रुपया देने को तैयार हो गया। आगे एक जौहरी के पास गया, उसने जांचा पड़ा, उसने कहा ये 1 लाख दूंगा। हाँ सब्जी वाली सब्जी दे रही थी और वो 100 रुपये दे 1 लाख। उसने कहा मेरे पास तो 1 लाख ही है इस समय, तो मैं 1 लाख दे सकता हूँ, लेकिन अगर मैं चिट्ठी लिख के दे दूं और तू राजा के पास जाओ तो तुम्हें और भी कुछ बहुत कुछ मिल सकता। कहा ठीक है, उसने चिट्ठी लिख के दे दिया। वो राजा के पास गया, उसने चिट्ठी पढ़ी, कहा ये पत्थर तुम हमको दे दो, जो चाहे ले लो। अब बेचना तो था ही नहीं, तो चिट्ठी में उस जौहरी ने ही लिखा था राजा साहब ये कोई साधारण पत्थर नहीं है, ये तो पारस मणि है। वो लौट कर आया, उसने सारा वृतांत सुना दिया। अब गुरु जी ने कहा बेटा ये पत्थर नहीं है, ये पारस मणि है। उस सब्जी वाली ने इसको पत्थर मारा, कहा साग सब्जी ले जाओ। उस सुनार ने भी इसको ठीक से जांचा परखा नहीं, उसको लगा ऐसे ही कोई आर्टिफिशियल पत्थर है। और जो जौहरी ने पहचान लिया ये पारस मणि है और चिट्ठी में भी यही लिख के दिया। तो ऐसे ही बेटा तुम ये सोच रहे हो राम नाम ये कौन सा मंत्र है? इस राम नाम की महिमा ये है, भगवान के नाम में सारी शक्तियां हैं। और इस राम नाम का कमाल है भव बंधन ते छूटहि नर जपि जाकर राम। एक बार हृदय से कोई राम कह देता, आत्म पुकार करता है, दोबारा कहने की जरूरत नहीं है, बस उसको भगवत प्राप्ति हो जाए। कमी हमारी है कि हम बेगारी से भगवान नाम लेते हैं।